हिमाचल सरकार ने प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को कृषि के योग्य भूमि उपलब्ध करवाने के लिए नौतोड़ के नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया है। इसको लेकर मंत्रिमंडल ने अपनी सिफारिश राजभवन को भेजी है, मगर अभी तक संशोधन को राजभवन से हरी झंडी का इंतजार है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि संशोधन को मंजूरी मिलने से जनजातीय क्षेत्रों की सीमाओं में कृषि के लिए भूमि देने से जहां आय के साधन बढ़ेंगे, वहीं सीमाओं में अतिक्रमण भी रुकेगा। प्रदेश सरकार में बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश कैबिनेट ने नौतोड़ के नियमों में संशोधन को लेकर राज्यपाल को सिफारिश भेजी है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत राज्यपाल को संशोधन की सिफारिश भेजी है और इसमें संशोधन राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है, जो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर करते हैं, लेकिन अभी तक वे खुद 4 बार राज्यपाल से मिल चुके हैं। इसके अलावा जनजातीय परिषद के प्रतिनिधियों समेत जनजातीय क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधि भी राज्यपाल से मिल चुके हैं, मगर अभी तक इस संशोधन को लेकर राज्यपाल की सहमति का इंतजार है। नौतोड़ को लेकर हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार के कैबिनेट ने जो है एक सिफारिश गवर्नर महोदय से संविधान के जो हमारे प्रावधान है अनुच्छेद 5 के तहत जो है शक्तियों को प्रयोग करने के लिए उनसे सिफारिश की थी, और उसके बाद में जनजातीय सलाहकार परिषद जो एक संवैधानिक परिषद है उधर से भी एक सिफारिश की गई कि नौतोड़ जो है जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार का एक मुख्य साधन बन सकता है। अगर लोगों को हम अगर जमीन दें तो लोग जो है वहाँ पर बाग बगीचे लगाकर अपना इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि बॉर्डर के साथ लगते इलाके हैं, बॉर्डर के इलाके अगर खाली छोड़े जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे इलाके जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में या हमारे लद्दाख में जो है चाइना ने जो है खाली इलाकों पर लगातार कब्जा करना शुरू कर दिया है, और केंद्र सरकार भी इस बात से अवगत है, और इसीलिए केंद्र सरकार भी एक जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में एक जो है संशोधन इन्होंने पीछे पार्लियामेंट में लाया, जिसमें ये कहा गया कि 100 किलोमीटर के जो एरिया पड़ते हैं बॉर्डर से उधर जो है लोगों को बसाने के लिए FCA में जो है संशोधन किया है। परंतु हमें तो FCA के संशोधन की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग से कानून बनाने के लिए और अलग से कानून अगर जो बने हुए भी हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के द्वारा है चाहे हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा है, उसको संशोधन करना, उसको निरस्त करना या उसको सस्पेंड करना गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में है, और वो कैबिनेट के सिफारिश पे करते हैं। पहले भी जो है 2 बार लगातार जो है 3 बार जो है लगातार कैबिनेट की सिफारिश पर गवर्नर ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जो FCA है उसको सस्पेंड किया ताकि नौतोड़ नियम के तहत भूमि लोगों को प्रदान की जाए, और नौतोड़ के तहत जो है नियम बने हुए हैं कि कौन पात्र व्यक्ति होगा, किसको कितनी भूमि मिलनी है, ये सारा कुछ 1968 से जो है नौतोड़ का नियम बना हुआ है, एक पारदर्शी जो है तरीके से लोगों को भूमि आवंटन करने का जो है तरीका बना हुआ है। तो गवर्नर साहब के पास जो है प्रस्ताव गया हुआ है, मैं खुद जो है गवर्नर साहब से अब तो 4 बार मिल चुका हूँ, मेरे साथ जो है माननीय विधायक लाहौल स्पीति और पांगी भरमौर के भी साथ गए हैं, उसके बाद हमारे जनजातीय क्षेत्रों से जो जनजाति परिषद के सलाहकार परिषद में माननीय सदस्य हैं उनके साथ भी मैं गवर्नर महोदय से मिला, और उसके बाद फिर अभी हाल में बहुत सारे जनजातीय इलाकों के प्रधान और वहाँ के जो दूसरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं पंचायती राज संस्थाओं में, वो भी जो है गवर्नर महोदय से इस विषय पे मिले और उनसे निवेदन किया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द वो जो है अपनी स्वीकृति प्रदान करें, फैसला करें। अभी तक जो है हम तो उम्मीद कर रहे थे कि दीपावली के शुभ अवसर पर शायद गवर्नर महोदय जो है हमें जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई तोहफा देंगे, परंतु अभी इंतजार में हमने अभी शुरुआत किया है कि हमारा जो राजस्व विभाग है इसमें पहले तो हमने जो अपना जो हमारे जो एक्ट है उस एक्ट में ताकि जो हमारे डिमार्केशन है, पार्टीशन है, म्यूटेशन है, जो भी हम
रेवेन्यू से संबंधित जो सेवाएं हैं उसको एक लिमिट मतलब टाइम बाउंड करने का कोशिश किया है ताकि हमारे अधिकारी समय पर लोगों को सेवाएं दें। इसी संदर्भ में जो है म्यूटेशंस जो है हमारे इंतकाल है, इंतकाल अदालत जो है हिमाचल में शुरू की गई जिसमें हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का विशेष जो है निर्देश भी था और उसके अच्छे रिजल्ट भी आए। तो एक समय में हमारे पास जब सूचना थी कि कोई 22,000 के करीब केसेस लंबित थे और जिस डेट पे हमने फिर ये शुरू करने की बात की तो उस समय ये करीब करीब कोई 41,000 के करीब केसेस थे और दो दिन का जो एक हमने पखवाड़ा चलाया उसमें कोई 30,000 से ऊपर केसेस हमारे हो गए हैं और 10,000-11,000 के केस लंबित भी हैं। तो इसका अच्छा नतीजा रहा है, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, जो बहुत अरसे से लंबित केसेस थे उनका निपटारा हुआ। परंतु इसकी और ज़्यादा जो है समय समय पे इस किस्म के अदालत जो है म्यूटेशन के या दूसरे जैसे आप डिमार्केशन की बात कर रहे हैं करने की आवश्यकता है। म्यूटेशन का तो हम अभी शुरू किया है और आगे अगले महीने भी करने की बात कर रहे हैं और जो पार्टीशन जो है ये जो आपका डिमार्केशन है ये भी बहुत ज़्यादा लंबित है, इसके लिए भी जो है अभी आज ही हम एक बैठक हुई हमारी तो इसमें बात किया है कि हम इसके लिए भी इसी किस्म का जो है एक अभियान शुरू करेंगे ताकि लोगों के जो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से लंबित केसेस हैं उसका निपटारा हो सके।